इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एटा यूपी से आए सांसद राजवीर सिंह ने कहा, राजस्थान में बनानी है डबल इंजन की सरकार। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से आए एटा सांसद राजवीर सिंह ने मनोहर थाना विधानसभा भाजपा प्रत्याशी गोविंद रानी पूरिया के समर्थन में वोट मांगे। कहा, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है एवं भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म एवं विश्व स्तरीय पार्टी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के ऊपर जमकर गरजे सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति बंद करना है एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसलिए गोविंद रानी पूरिया को आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर विजय बनाना है एवं राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनानी है। और माननीय गोविंद रानी पूरिया को लगातार दूसरी बार विधायक अधिक से अधिक मतों से विजय कराना है। सांसद राजवीर सिंह के साथ गाड़ियों का काफिला तीन धार के साथ चल रहा। जिमखाने के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता साथ चले एवं विभिन्न गांवों का किया दौरा। गादिया, मेहर, घोटाली, चुरेलिया, गुराड़िया, टिकरिया, बने, चांदीपुर, जावर सभी कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए एवं मध्य प्रदेश से इंद्र सिंह लवंची भी सांसद राजवीर सिंह के जिला उपाध्यक्ष दिनेश मंगल को प्रधान मोरमबाई सरपंच राम प्रसाद लोधा रामकृष्ण लोधा तेजकरण लोधा पूर्व सरपंच गोपालपुरा काफिले के साथ रहे। और मैं जहां भी जा रहा हूं मुझे लगता है कि 25 तारीख को तो आपको खाना पूरी करनी है, चुनाव तो हो गया। बीजेपी जीत गई और गोविंद जी भी जीत गए। इतना उत्साह चुनाव में मुझे कभी देखने को नहीं मिला जो इस बार मिला। और जब जब यहां राजस्थान में चुनाव होते हैं तब तब मुझे आने का यहां मुझे अवसर मिलता है। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, उसका उपयोग आप लोगों ने किया और हमारे विरोधी लोगों ने भी किया। लेकिन पता नहीं यहाँ की कौन सी परंपरा है, क्या कल्चर है, क्या इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।